नगर पंचायत थाना भवन ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे मार्ग पर त्योहार को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। आपको बता दें कि जनपद शामली के जिलाधिकारी ने हाईवे एवं कस्बों में अतिक्रमण की शिकायतों को देखते हुए नगर पंचायत थाना भवन को दिल्ली सहारनपुर हाईवे मार्ग से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए, जिसके बाद नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी मेघा गुप्ता के निर्देशन में नगर पंचायत की टीम ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे मार्ग पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसमें नगर पंचायत की टीम ने चरथावल बस स्टैंड के पास सड़क पर रेत एवं बजरी डालकर किए गए अतिक्रमण को जेसीबी से हटवाया, तो वहीं ठेली चालकों से पॉलिथीन जब्तीकरण का अभियान चलाया। लेकिन ये अभियान घंटे भर तक ही चलने के बाद दम तोड़ता नजर आया, क्योंकि टीम के वापस लौटते ही हालात जस के तस बन गए। ये जो है कई बार जिन्हें जो साउथ दिल्ली हाईवे जो सहारनपुर रोड है, ये हाईवे है, इस पर जो है रोड़ी बजरी डालकर जो इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, पूरा हाईवे पे पूरा जितना भी हाईवे है पूरा का पूरा जो है अतिक्रमण। कई बार इनको लिखित में नोटिस दिया गया है, इनको वैसे मौखिक भी कहा गया है, ना कहने के बावजूद भी इन्होंने जो है ये रोड़ी बजरी जो है नहीं हटा रहे हैं, अपने अतिक्रमण बिल्कुल भी दबंगई दिखा रहे हैं, है ना, कर्मचारी को धमकाते हैं। तो इसमें इस पर कड़ा रुख करके इनका जो है जितना रोड़ी बजरा अतिक्रमण में आ रही है, ये सब उठाई जा रही है, जब्त की जा रही है। किसका आदेश? ये जो है नगर पंचायत जो हमारी हैं अधिशासी अधिकारी, उनके निर्देशन में ये सारा अभियान चलाया जा रहा है। जी, दिल्ली सहारनपुर रोड पर अतिक्रमण के संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके संबंध में आज नगर पंचायत के द्वारा टीम गठित कर अतिक्रमण हटाया गया। जी सर, और क्या विशेष किया गया? जी, जिन जो भी अतिक्रमणकारी थे उनका सामान जब्त किया गया, और भविष्य में ऐसा ना करने के संबंध में उनको चेतावनी दी गई है। अगर भविष्य में भी अतिक्रमण करते हुए पाए गए तो उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा नगर पंचायत की ओर से। और क्या अभियान चलाया गया? जी, नगर पंचायत की तरफ से प्रतिबंधित पॉलीथीन और प्लास्टिक के संबंध में भी समय समय पर अभियान चलाए जा रहे हैं। अगर किसी के पास भी पॉलीथीन पाई जाती, प्रतिबंधित पॉलीथीन या प्लास्टिक पाई जाती, तो उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अगर जैसे कि चौक बाजार के अंदर भी अतिक्रमण की शिकायतें बार बार मिल रही है, उसके खिलाफ क्या? जी, उसके संबंध में भी जल्दी अभियान चलाया जाएगा, परंतु तो आज जो है वो दिल्ली सहारनपुर रोड पर अभियान चलाया गया था।